बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों की बात करेंगे बहुत आसान तरीके से सारी चीजें मैं आपको detailed, is, आपको समझाऊंगा। डिटेल, येट फन। और यू एंड। केवल देखना है तक।

और उस डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ लिंक कर देगी जोड़ देगी क्या समझ में आया एक कंजंक्शन एक कंजंक्शन का टाइप है बहुत कॉमन है सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है इंग्लिश में एक कंजंक्शन का टाइप है जो डिपेंडेंट क्लॉज के बिगनिंग में स्टार्टिंग में आएगा और उस डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ देगा लिंक कर देगा जो कि एक कंजंक्शन करता है और इतना ही नहीं एक रिलेशन भी दिखाएगा

ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है एक से ज्यादा हैं जिसके पास एक subject है और और एक 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 है 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 इतना simple है, एक से से ज़्यादा ज़्यादा अगर आपको दिखते हैं जिसके पास subject भी है और वर्ब भी है, उसको हम क्या बोल देंगे क्लॉज बोल देंगे अब यहां पे किस्सा किस्सा खत्म नहीं होता है हमारे पास दो टाइप की क्लॉजेस होती हैं डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज देखिए डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज है जो

ये क्लॉज है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कंप्लीट मीनिंग देगी और किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होगी फॉर एग्जाम्पल आई लव यू मैं आपसे प्यार करता हूं कंप्लीट सेंटेंस है एक स्टेटमेंट कुछ नहीं चाहिए आई डोंट रिटर्न मनी मैं आपका पैसा वापस नहीं करता या आई विल नॉट रिटर्न यू मनी मैं आपका पैसा वापस नहीं करूंगा देखिए कंप्लीट सेंटेंस है तो ये होती है क्लॉज ये होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये होती है डिपेंडेंट क्लॉज चलिए आगे बढ़ते हैं अब समझते हैं कि कितने टाइप की या कितनी सारी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती हैं देखिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत सारे हैं इंग्लिश में मैं आपको दिखाता हूँ वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो डेली यूज करे जाते हैं बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन एंड यूज्ड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डेट वी हैव इन ये सबसे ज्यादा कॉमन और यूज्ड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है आफ्टर बिफोर when, where, why, how, as soon as, because, as, since, if, even though, even if, though, wherever, however, whenever, whatever, how, unless, whether, until, by the time, what, whom, that, while. इनके अलावा भी कुछ subordinating conjunctions होते हैं ये खत्म नहीं हुए list, बड़ी ये सबसे ज्यादा common है एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं सारी सारी की सारी कंजंक्शन एक एक करके सब एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में तो आज इन कंजंक्शन को देखेंगे कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे काम करती है अभी हमने समझ लिया कि सारे कंजंक्शन एक डिपेंडेंट क्लॉज के बिगनिंग में आए गए आएंगे और इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ जाएंगे और एक रिलेशन दिखाएंगे अब वो रिलेशन किस सेंस में होगा देखिए वो रिलेशन होगा प्लेस के टर्म में जगह के टर्म में या टाइम के टर्म में राइट या कॉज एंड इफेक्ट के टर्म में नहीं समझ में आया हमारा काम है समझाना लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड इन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं सब ऑर्डिनेटिंग कैसे काम कर रहे हैं और ये किस तरीके का रिलेशन दिखा रहे हैं सेंटेंसेस में ओके फर्स्ट वी विल गो आउट आफ्टर कम बैक मेरे आने के बाद हम बाहर जाएंगे वी विल गो आउट हम बाहर जाएंगे कब आफ्टर आई कम बैक मेरे आने के बाद आप देखो यहां पर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है मतलब इसके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ओके मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे इस पर वीडियो है जाके देख सकते हैं लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में अब हमारे पास यहां पर दो टाइप की क्लॉजेस है आफ्टर आई कम बैक ये है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट हो रही है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर से आफ्टर आई कम बैक मेरे वापस आने के बाद अपने आप में पूरी मीनिंग नहीं देगी गो आउट हम बाहर जाएंगे ये है हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज कंप्लीट सेंटेंस ये अपने आप में पूरा मीनिंग देता है वी विल गो आउट हम बाहर जाएंगे कब जाएंगे आफ्टर आई कम बैक मेरे वापस आने के बाद जब मैं वापस आता हूं मेरे वापस आने के बाद तो आफ्टर आई कम बैक हमारी है डिपेंडेंट क्लॉज जो मेन क्लॉज के मेन वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है हम बाहर जाएंगे वी विल गो आउट कब जाएंगे फ्टर आई कम बैक मेरे वापस आने के बाद या आप दूसरा कंजंक्शन यूज कर सकते हो टाइम वाला आप बोल सकते हो बिफोर आई कम बैक मेरे वापस आने से पहले या आप यह भी बोल सकते हो एज सुन एज आई कम बैक जितनी जल्दी मैं वापस आता हूं तो अभी ये सारे कंजंक्शन देखेंगे जो टाइम बताते हैं अभी एग्जाम्पल ये समझिए आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए वी कैन मीट हम मिल सकते हैं कहां पर वेयर वी मेट द लास्ट टाइम जहां पर हम लास्ट टाइम मिले थे अगेन देखिए दो हमारे पास यहाँ पर आ, है वी कैन मीट हम मिल सकते हैं हम मिल सकते हैं देखिए अपने आप में सेंटेंस हम मिल सकते हैं हाँ जी हम मिल सकते हैं पर कहाँ पर वी कैन मीट कहाँ पर प्लेस वेयर वी मैथ द लास्ट टाइम जहाँ पर हम लास्ट टाइम मिले थे तो ये रही हमारी डिपेंडेंट क्लॉज देखिए बिगनिंग में आ रहा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज से और एक रिलेशन दिखा रहा है कैसा रिलेशन प्लेस का यहाँ पर रिलेशन कैसा था टाइम का ये देखिए शी डि नॉट पिकअप योर कॉल उसने आपकी कॉल पिकअप नहीं करी गंदे बच्चे शी डिड नॉट पिकअप योर कॉल उसने आपकी कॉल पिकअप नहीं करी बिकॉज शी वॉज एंग्री विद यू क्योंकि वो आपसे गुस्सा थी या एज या सेंस शी वॉज एंग्री विद यू इन तीनों कंजंक्शन का मतलब होता है क्योंकि राइट अगेन देख ली ये हमारी है इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस मेन क्लॉज उसने आपकी कॉल पिकअप नहीं करी अपने आप में सेंटेंस है उसने आपकी कॉल पिकअप नहीं करी खत्म अगर आपको इसका रीजन बताना है तो आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसे यूज करेंगे जो रीजन बताते हैं कौन से बिकॉज एज सेंस क्योंकि शी एंग्री विद यू क्योंकि वो आपसे थी गुस्सा ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज देखिए स्टार्टिंग में आ रहा है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज एज सेंस तीनों का मतलब एक ही होता है तीनों यूज कर सकते हो क्योंकि वो आपसे गुस्सा थी इसलिए उसने आपका कॉल नहीं पिक करा कैसा रिलेशन दिखा रही है रीजन का ये रीजन है इस काम का उसने आपकी कॉल पिकअप क्यों नहीं करी रीजन बिकॉज शी वॉज एंग्री विद यू क्योंकि वो आपसे गुस्सा थी लास्ट एग्जाम्पल देखिए इफ यू इंप्रेस जॉब अगर आपने उसको इंप्रेस कर दिया यू विल गेट दिस जॉब आपको ये जॉब मिल जाएगी यू विल गेट दिस जॉब आपको ये जॉब मिल जाएगी मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज लेकिन एक कंडीशन है इफ यू इंप्रेस अगर आप उसको इंप्रेस करते हो तो तो ये है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज और इफ है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अब यहां पर आपको क्या समझ में आया देखिए डिपेंडेंट क्लॉज के स्टार्टिंग में आ रही है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ रही है उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज से और एक रिलेशन दिखाई कैसा रिलेशन टाइम का प्लेस का रीजन का या कॉज का और दूसरी चीज समझिए अपने आप में डिपेंडेंट क्लॉज मीनिंग नहीं देगी ये समझ में आया देख लीजिए आफ्टर आई कम बैक वेयर वी वेन लास्ट टाइम इनको अगर आप अकेले यूज करोगे कोई मीनिंग नहीं आएगा तीसरी चीज या तो ये मेन क्लॉज के बाद में आएगी इंडिपेंडेंट क्लॉज 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 के के बाद बाद में में आएगी आएगी डिपेंडेंट और जब ये मेन तो कोई कॉमा नहीं आएगा देखिए पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल बट जब हम डिपेंडेंट क्लॉज को स्टार्टिंग में यूज करेंगे सेंटेंस के तो हम इसके बाद कॉमा यूज करेंगे फिर मेन क्लॉज यूज करेंगे इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं after i come back comma we will go out मेरे आने के बाद हम बाहर जाएंगे बिकॉज़ शी वाज एंग्री विद यू क्योंकि वो आपसे गुस्सा थी शी डिड नॉट पिक अप योर कॉल उसने आपकी कॉल पिकअप नहीं करी तो ऐसे हम यूज करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का अब आप, आप समझ गए होंगे ओके अब सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझेंगे एक-एक करके उनकी मेजर कैटेगरीज़ के, के साथ मेजर कैटेगरीज़ के, के साथ सबसे पहले देखेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ टाइम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो टाइम का रिलेशन दिखाएंगी और ये हैं हमारी वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वेन वन एवर आफ्टर बिफोर एज सुन एज अंटिल और वाई इनका मतलब देखिए वेन का मतलब होता है जब जब ये होगा वैन इट हैपन्स वेन एवर का मतलब होता है जब भी वैन एवर आई कॉल यू जब भी मैं आ, मैं आपको कॉल करता हूँ ठीक है समथिंग हैपन्स वो अभी देखेंगे एग्जाम्पल आफ्टर का मतलब होता है बाद में फ्टर आई केम बैक मेरे आने के बाद में ओके okay? बिफोर का मतलब है पहले बिफोर आई कॉल्ड यू मेरे कॉल करने से पहले ओके okay? एज का मतलब होता है जैसे ही एज सून एज आई कॉल्ड यू जैसे ही मैंने आपको कॉल किया समथिंग हैपेड ठीक है अंटिल का मतलब होता है जब तक डोंट मूव अंटिल आई कम बैक हिलना मत जब तक मैं वापस ना वापिस अंटिल जब तक वाइल्ड का मतलब होता है जब अखार एक्सप्लोडेड वाइल्ड आई वॉज वॉचिंग टीवी एक कार एक्सप्लोड हो गई उड़ गई जब मैं टीवी देख रहा था जब ओके बाय द टाइम जब तक द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम वी रीच ट्रेन जा चुकी होगी जब तक हम स्टेशन पहुंचते हैं ओके okay? अभी इन सब को देखेंगे सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं अभी मैंने आपको मीनिंग दिखाया इनका ओके लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दंबर वन वेन का वी विल टर्न द लाइट ऑफ वेन ही कम्स बैक हम लाइट बुझा देंगे वेन ही कम्स बैक जब वो वापिस आएगा तो वेन ही कम्स बैक जब वो वापिस आता है उस लाइट ऑफ तो ये है हमारी main clause, we will turn the lights off, हम light बुझा देंगे कब? When he comes back, जब वो वापिस आएगा. डिपेंडेंट क्लॉज वेन है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग इसके बिगनिंग में आ रहा है और मेन क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हम लाइट कब बुझाएंगे जब वो वापिस आएगा वेन ही कम्स बैक ओके वेन एवर whenever i see you i feel happy जब भी भी मैं आपको देखता हूँ. डिपेंडेंट क्लॉज व्हेन एवर आई सी यू जब भी भी मैं आपको देखता हूँ, आई फील हैप्पी मुझे अच्छा लगता है अब देखिए ये हमारी मेन क्लॉज आई फील हैप्पी मुझे अच्छा लगता है कब टाइम टाइम कब व्हेन एवर आई सी यू जब भी जितनी बार भी जब भी भी मैं आपको देखता हूँ. व्हेन एवर आई सी यू जब भी मैं आपको देखता हूँ, आई फील हैप्पी तो देखिए ये इस वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है इसका टाइम बता रही है मुझे कब खुशी महसूस होती है कब अच्छा लगता है जब भी मैं आपको देखता हूं कुछ दिखाऊंगा मेन क्लॉज आई विलथिंग आफ्टर द क्लास एंड क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है क्लास खत्म होने के बाद आई विल शो यू समझ दिखाऊंगा ठीक है मोडिफाई करिए इस वर्ब को दिखाऊंगा कब आफ्टर द क्लास एंड क्लास खत्म होने के बाद देखिए पहले एग्जाम्पल में क्लॉज एंड में आई सेंटेंस के दूसरे में देखिए बिगनिंग में आई तो हमने कॉमा यूज करा था ध्यान रहे अगर एंड में आएगी इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद में आएगी तो कॉमा नहीं लगाएंगे बट अगर बिगनिंग में आएगी इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले तो आपको कॉमा का यूज करना पड़ेगा चलिए बिफोर शी विल कम बैक बिफोर द मूवी एंड वो वापस आएगी वो वापस आएगी कब टाइमिंग बिफोर द मूवी एंड्स मूवी के खत्म होने से पहले बिफोर द मूवी एंड्स और आफ्टर द मूवी एंड्स आफ्टर भी यूज कर सकते हो आई विल रिटर्न योर मनी एज़ सून एज़ आई गेट ए जॉब एज़ सून एज़ मतलब जितनी जल्दी ही जैसे ही आई विल रिटर्न योर मनी मेन क्लॉज मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा कंप्लीट सेंटेंस है इंडिपेंडेंट क्लॉज यह काम कब होगा मैं आपका पैसा वापस करूंगा कब एज soon एज जैसे ही आई गेट अ जॉब जैसे ही मुझे जॉब मिलती है तो एज सुन एज आई गेट अ जॉब जैसे ही मुझे जॉब मिलती है आई विल रिटर्न यू मनी यह काम कब होगा टाइम एज सुन एज आई गेट अ जॉब जैसे ही मुझे जॉब मिलती है तो अंटिल मतलब जब तक Do not go anywhere कहीं भी मत जाना Until I come back जब तक मैं वापस ना आऊं Do not go anywhere until I come back सिट हियर एंटिल आई कम बैक यहीं बैठना जब तक मैं वापिस ना आऊं वाइल का मतलब होता है जब दौरान शी वॉक वाइल आवे सिंह तो जब हम उन्हें किस कर रहे थे उस टाइम पे उस दौरान शी वॉक टू माई रूम वो मेरे रूम में एकदम घुस गई कितनी गलत बात है? है तो है लेकिन ये काम हुआ शी वॉक टू माई रूम वो मेरे रूम में घुस गई वाइल एविस काम कब हुआ वो कब मेरे रूम में घुसी जब मैं उसे किस कर रहा था मेरे उसको किस करने के दौरान व्हाइल आई वाज किसिंग हर तो ऐसे यूज करेंगे व्हाइल ओके दौरान जब बाय द टाइम जब तक ही वाज गॉन वो जा चुका था ही वाज गॉन बाय द टाइम आई केम बैक जब तक मैं वापस आया देखिए वो जा चुका था ये काम कब हुआ जब तक मैं वापस आया ही वाज गॉन बाय द टाइम आई केम बैक एक और एग्जांपल ले लेते हैं The party will have been finished by the time you uh, finish your work. Party खत्म हो चुकी होगी by the time you finish your work. जब तक तुम अपना काम खत्म करोगे तब तक party खत्म हो चुकी होगी right? तो ऐसे हम यूज करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम और ये है हमारे subordinating conjunctions कंजंक्शन ऑफ टाइम राइट चलिए अगले पे चलेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ प्लेस ये होते हैं केवल दो ओके okay. बताएंगे प्लेस के बारे में जो कि है वेयर और वेयर एवर वेयर का मतलब होता है जहां वेयर एवर का मतलब होता है जहां भी एग्जाम्पल देखिए वी वो फार्टिंग वेयर वी ऑलवेज फार्टिंग हम पार्टी कर रहे थे मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज हम पार्टी कर रहे थे देखिए अपने आप में सेंटेंस है हम पार्टी कर रहे थे अगर आपको बताना कहां हो रहा था ये काम तो आप एक डिपेंडेंट क्लॉज का यूज करके बता सकते हो where we always party जहां पर हम हमेशा पार्टी करते हैं तो वेयर वी ऑलवेज पार्टी हमारी डिपेंडेंट क्लॉज वेयर है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्टिंग में आ रहा है जोड़ रहा है इस क्लॉज को इसके साथ एक रिलेशन दिखा रहा है कैसा रिलेशन टाइम का नहीं प्लेस का वी वर पार्टीिंग पार्टी कर रहे थे कहां वेयर वी ऑलवेज पार्टी जहां पर हम हमेशा पार्टी करते हैं वहां ये काम हो रहा था आई नो अ प्लेस वेयर वी कैन हाइड मैं एक जगह जानता हूं जहां पर हम छुप सकते हैं आई नो अ प्लेस देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है मुझे एक जगह पता है ठीक है आई नो अ प्लेस मुझे एक जगह पता है वेयर वी कैन हाइड जहां पर हम छुप सकते हैं जहां पर हम छुप सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए यहां पर यह डिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रही ये मॉडिफाई कर रही है एक नाउन को जो कि है हमारा प्लेस आई नो अ प्लेस कौन सी जगह जहां पर हम छुप सकते हैं तो एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा वब को मॉडिफाई नहीं करेगी मेन क्लॉज के मेन वब को मॉडिफाई नहीं करेगी एक नाउन को भी मॉडिफाई कर सकती है यूजुअली वो एक एडवर्ब की तरह काम करती है वर्ब को मॉडिफाई करती है बट एक नाउन को भी मॉडिफाई कर सकती है एक एडजेक्टिव की तरह भी का, काम कर सकती है तो यहां पर ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक एडजेक्टिव की तरह काम करे इसको मॉडिफाई करे इस नाउन को आई नो अ प्लेस कैसी जगह जहां पर हम छुप सकते हैं वेयर वी कैन हाइड वेयर एवर जहां भी यू कैन गो वेयर यू वांट आप जा सकते हो कहां पर जगह यू कैन गो वेयर यू वॉन्ट जहां पर भी आप जाना चाहो वेयर यू वॉन्ट ये है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज वेर एवर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्टिंग में आ रहा है इसको इससे जोड़ रहे हैं कनेक्शन किस टाइप का रिलेशन प्लेस का तुम जा सकते हो कहां पर वेर एवर यू वॉन्ट वेर एवर यू गो और वेर एवर आई गो शी फॉलोज मी जहां पर भी मैं जाऊं वो मुझे फॉलो करती है वेर एवर आई गो शी फॉलोज मी वो मुझे फॉलो करती है कहां पर वेर एवर आई गो जहां पर भी मैं जाऊं तो ऐसे हम यूज करेंगे सब कंजंक्शन ऑफ प्लेस का आगे चलते हैं आगे देखेंगे हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन एंड कॉज गाइज ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक डिपेंडेंट क्लॉज के बिगनिंग में आएंगी और एक रीजन बताएंगी मेन क्लॉज का कि मेन क्लॉज किस रीजन की वजह से हुआ और ये है हमारी बिकॉज एज सिंस तीनों का मतलब एक ही है फिर इफ अनलेस प्रोवाइडेड चलिए समझते हैं देखिए बिकॉज एज और सिंस का मतलब होता है क्योंकि प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते या अगर और इफ का मतलब भी होता है अगर तो ये दोनों एक तरीके से ही काम करती हैं और लास्ट है अनलेस इसका मतलब होता है जब तक एग्जाम्पल देखते हैं समझते हैं आई कुड नॉट join द पार्टी आई couldn't join द पार्टी मैं पार्टी ज्वाइन नहीं कर सका मेन क्लॉज इसका रीजन क्या है क्यों भाई क्वेश्चन पूछो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज ऑफ रीजन मिल जाएगी क्यों ऐसा हुआ बिकॉज या एज या सिंस आई वे क्योंकि मैं बीमार था

प्रोवाइडेड यू हैव अस अगर आपके पास लाइसेंस हो बशर अगर तुम्हारे पास लाइसेंस हो आई विल लेट यू ड्राइव प्रोवाइडेड यू हैव अ लाइसेंस या इफ यू हैव अ लाइसेंस वन द सेम थिंग दोनों का मतलब एक है तो देखिए प्रोवाइडेड यू हैव अ लाइसेंस है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है इस वर्ब के बारे में मैं आपको ड्राइव करने दूंगा कब प्रोवाइडेड यू हैव अ लाइसेंस अगर आपके पास लाइसेंस हो तो इस कंडीशन में ये काम होगा कंडीशन दिखाएगी इफ यू वर्क हार्ड अगर आप मेहनत करते हो तो यू कैन क्लियर दिन क्लॉस यू कैन क्लियर द्लियर कर सकते हो इंडिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज कंप्लीट सेंटेंस आप ये काम कर सकते हो किस कंडीशन में अगर आप मेहनत करते हो तो इफ यू वर्क हार्ड देखिए इसके बाद कॉमा दिख रहा है स्टार्टिंग में अगर आए डिपेंडेंट क्लॉज तो कॉमा लगाना पड़ेगा इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू कैन क्लियर दी एग्जाम या you can clear the exam if you work hard ठीक है? unless जब तक जब तक ये नहीं होता ये नहीं होगा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा जब तक तुम मेरे वहां पैसे वापस नहीं करते वो तुमसे कभी बात नहीं करेगी जब तक तुम उससे माफी नहीं मांगोगे ओके जब तक unless you apologize to him don't call me अगर जब तक तुम उससे माफी नहीं मांगते मुझसे बात मत करना मुझे कॉल मत करना मुझे कॉल मत करना कब तक जब तक तुम उससे माफी नहीं मांगते अनलेस यू अपोलोजाइज टू हिम जब तक तुम उससे माफी नहीं मांगते डोंट कॉल मी मुझे कॉल मत करना राइट right? तो ये है सब में आपको आ गया होगा राइट लास्ट right? पे चलते हैं हमारी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन देखिए इनके इसमें है हमारे पास तीन कंजंक्शंस जो कि हैं दो इवन दो और ऑल दो और इन तीनों का मतलब सेम है कतई सेम <laughs> दो का मतलब भी होता है हालांकि ऑल्दो का मतलब भी होता है हालांकि और इवन दो का मतलब भी होता है हालांकि तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको समझा देता हूं इंटरेस्टिंग uh, क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में हो भी सकता है देखिए दो और ऑल्दो में डिफरेंस ये है कि ऑल्दो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस डालेगा थोड़ा ज्यादा वजन डालेगा दो हालांकि ऑल्दो हालांकि और इवन दो सबसे ज्यादा वजन डालेगा बाद पे एग्जाम्पल देखते अभी समझते हैं आई फेल्ड द टेस्ट मैं टेस्ट में फेल हो गया मैं फेल हो गया दो आई वर्क हार्ट जबकि मैंने मेहनत करी थी हालांकि मैंने मेहनत करी थी आई फेल्ड द टेस्ट ऑल दो आई वर्क हार्ट जबकि मैंने मेहनत करी थी देखिए स्ट्रेस पड़ रहा है ज्यादा आई फेल्ड द टेस्ट ऑल दो आई वर्क हार्ट जबकि मैंने मेहनत करी थी तब भी मैं फेल हो गया मेहनत करी थी हालांकि मैंने मेहनत करी थी फिर भी मैं फेल हो गया टेस्ट में ठीक है तो ये डिफरेंस है दो ऑल दो और इवन दो में एक और एग्जाम्पल देखिए ऑल दो का देखिए ऑल दो आई लव हर हालांकि मैं उससे प्यार करता हूं फिर भी आई वॉन्ट सपोर्ट हर मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा आई वॉन्ट सपोर्ट हर आई विल नॉट सपोर्ट हर मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा हालांकि मैं उससे प्यार करता हूं जबकि मैं उससे प्यार करता हूं इसके बावजूद भी मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा देखिए स्टार्टिंग में आ रही है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज तो हमने कॉमा यूज करा यहां पर हमारी डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्टिंग में नहीं आई थी एंड में आई थी इंडिपेंडेंट uh, क्लॉज के बाद में तो हमने कॉमा यूज नहीं करा ठीक है यू कान मेक हिम डांस इवन दो यू ऑफर हिम टेन बिलियन डॉलर तुम उससे नहीं नचवा सकते हालांकि तुम उसे दस बिलियन डॉलर भी ऑफर कर दो इसके बावजूद वो नहीं नाचेगा वो तुम उसको नहीं नचवा सकते चाहे तुम उसको दस बिलियन डॉलर भी ऑफर कर दो इवन दो यू ऑफर हिम टेन बिलियन डॉलर हालांकि आप उसको दस बिलियन डॉलर भी ऑफर कर दोगे ना उसके बावजूद भी तुम उसको नचा नहीं सकते वो नहीं नाचेगा ही विल नॉट डांस वो नहीं नाचेगा इवन दो यू ऑफर हिम टेन बिलियन डॉलर हालांकि आप उसको दस बिलियन डॉलर भी ऑफर कर दो फिर भी ये नहीं होगा ओके okay? Even if का मतलब होता है अगर समथिंग तो भी समथिंग नॉट गिव यू माई मनी अगर तुम मुझे मार भी दो ना अगर तो भी कुछ और होगा इवन इफ यू kill मी अगर तुम मुझे मार भी दो इवन इफ यू kill मी आई वॉन्ट गिव यू माई मनी मैं तुम्हें मेरा पैसा वापस नहीं दूंगा मेन क्लॉज देखिए अपने आप में पूरा सेंटेंस है मैं तुम्हें मेरा पैसा वापस नहीं करूंगा इवन इफ यू किलमी अगर तुम मुझे मार भी दो तब भी तब भी ये काम नहीं होगा आई विल नॉट गिव यू माई मनी इस तरीके से हम यूज करते हैं स्कूल uh, जबकि तुम बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो फिर भी तुम इस स्कूल में एडमिशन प्राप्त नहीं कर सकते तो ऐसे हम यूज करेंगे ईवन इफ का ठीक है तो ये सारे हैं हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और ऐसे हम इनको यूज करते हैं अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं वो ज्यादातर एडवर्ब की तरह काम करेगा मेन क्लॉज के वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कैसी इंफॉर्मेशन टाइम के रिलेशन में या प्लेस के रिलेशन में या कंडीशन के रिलेशन में कॉज के रिलेशन में ओके okay? स्ट्रेस डालेगा उस पर बट एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है एक नाउन को मोडिफाई कर सकता है और कभी कभार एक नाउन की तरह भी काम कर सकता है एग्जाम्पल देखिए दिस इज इंटरेस्टिंग और मैं आपको बता दूं कि आ, इन सारे पे एडवर्ब कलॉस एडजेक्टिव क्लॉस नाउन क्लॉस पे हमारे चैनल पे वीडियो है आप जाके देख सकते हैं टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स इन टॉपिक की और इस इस पर्टिकुलर टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं और आपको देखना भी चाहिए अगर आपको इसमें क्लैरिटी नहीं है तो अगर आप थोड़े से भी डाउटफुल हैं तो चलिए एग्जाम्पल देखिए आई विल टेल यू आई कम बैक मैं तुम्हें सब बताऊंगा आई कम बैक जब मैं वापस आऊंगा तो ठीक है तो यहां पर देखिए वेन आई कम बैक मोडिफाई कर रही है इस वर्ब को मैं तुम्हें बताऊंगा कब जब मैं वापस आऊंगा ठीक है तो एडवर्ब की तरह काम कर रही है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वेन और ये पूरी है सब ऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज

मुझे वो टाइम अभी भी याद है कौन सा टाइम यू स्लैप्ड मी जब तुमने मुझे चाटा मारा था आवाज आएगी जोर से लग गया ओके okay, तो यू स्लैप्ड मी हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है बट मोडिफाई कर रही है एक नाउन को जो कि है टाइम आई स्टिल रिमेंबर द टाइम मुझे अभी भी वो टाइम याद है कौन सा टाइम यू स्लैप्ड मी जब तुमने मुझे चाटा मारा था तो ये डिपेंडेंट क्लॉज एक एजेक्टिव की तरह काम दैट्स वाई वी कॉलिंग इट एन एजेक्टिव क्लॉज लास्ट में देखिए आई डोंट नो व्हेन ही इज कमिंग बैक मुझे नहीं पता वो वापस कब आ रहा है आई डोंट नो मुझे नहीं पता मेन क्लॉस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रही है मुझे नहीं पता ठीक है मुझे नहीं पता क्या नहीं पता व्हेन ही इज कमिंग बैक अब आपको कुछ तो पता हो सकता है ना वो नाउन होगा आई डोंट नो यू आई डोंट नो द सब्जेक्ट आई डोंट नो दिस पर्सन तो जो भी इसके आगे आएगा वो एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा तो आई डोंट नो क्या

इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे ये सारी क्लॉजेस पे सेपरेट लेसन है जाके इनको देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अब आपके लिए छोटा सा टास्क स्क्रीन पर कुछ दिख रहे हैं एग्जाम्पल्स विद ब्लैंक्स ऑब्वियसली आपको इनमें अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करना है और कॉमेंट करना है कॉमेंट में मैं आपका आंसर चेक करूंगा राइट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो कोई डाउट है तो बताइए यहां पर होती है आज की वीडियो खत्म तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना वो घंटा टन करके दे दबा देना ताकि आगे आने वाले लाइसेंस के नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल जाए आपको ढूंढना ना पड़े और अगर मेरे को सपोर्ट करना है थोड़ी सी हेल्प करनी है तो वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है और क्या आप हमारा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम का पेज ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर भी डेली कुछ ना कुछ होता रहता है हम कुछ सीखते रहते हैं थ्रू वीडियोज इन्फोग्राफिक्स फोटोज और uh, मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द तब तक के लिए बहुत सारा प्यार अमार नमस्कार